अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैर खरिया से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है, आप सब बहन भाइयों की दुआ से। और यहाँ पे जो है ना माशाल्लाह लस्सी भी तैयार हो चुकी है, मक्खन पीला पीला प्यारा प्यारा नजर आ रहा है। मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, हमें दो में याद रखें, इसलिए मुस्कुराते रहे फूलों की तरह। आमीन सुम्मा आमीन। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अच्छा अच्छा कमेंट। तो लस्सी भी हमारी तैयार हो चुकी है, बस तंदूर भी गर्म होने वाला है थोड़ी सी देर में। हाँ जी, लस्सी बना लूंगी और तंदूर भी गर्म हो जाएगा, बाद में बनाएंगे रोटी। हाँ जी, तो हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले सुनने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला सबको हमेशा अपने सम्मान में रखे। जो बीमार हैं अल्लाह ताला सबको सेहत कामिल अता फरमाए, और जो परेशान हाल हैं अल्लाह ताला हमारे तमाम देखने वालों की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, और जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उन सबको नेक औलाद अता फरमाए। तो जल्दी से आप मक्खन इकट्ठा करें, तैयार करें, फिर तंदूर भी तैयार है। पता है आपको, बस मुझे थोड़ी सी देर है, टाइम लगेगा मक्खन इकट्ठा करने में। चलो जी, देखते हैं किस तरह ये मक्खन इकट्ठा करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्खियां भी तंग कर रही हैं। बस ये सुबह सुबह जो है आ जाती हैं अपना ये दाना पानी ढूंढने के लिए। चलो जी, छेती करें, छेती छेती। मक्खन इकट्ठा हो गया, माशाल्लाह देखा, ये है मक्खन सही है। ओके ओके, जल्दी आ जाए। और इधर अम्मी जान प्याज काट रही हैं, ये देखें जी, क्योंकि सुबह के टाइम प्याज से हम नाश्ता करते हैं, प्याज ना हो तो हमसे नाश्ता नहीं किया जाता। कौन सा नींद आई थी बाहर? हाँ, सर्दी थी बाहर, सर्दी थी और मच्छर भी था, सर्दी भी थी, अंदर मच्छर नहीं होता। मेरी आँख खुली तो, जब मेरी आँख खुली मच्छर जो ना काफी सारा था, बच्चों के ऊपर भी हमारे ऊपर, तो मैं सोचती थी कि पंखा चलाऊ ना चलाऊ, फिर मैंने पंखा चला दिया, मच्छर तो भाग गया, लेकिन सर्दी थी। हाँ, मच्छर ने रात जो है ना बड़ी कमाई की हमारे ऊपर, बड़ा खून पिया उसने, तो काफी दिनों से हम बचे हुए थे। कल रात रज्जे, रात रज्जे टिका के। चलो जी, लस्सी तैयार हो गई है, मक्खन इकट्ठा हो चुका है, और सूर्य यहाँ तक पहुँच गया जी। ये आ गई जी लस्सी घाटे, इससे जो है ना फिर रायता वगैरह बनाते हैं, इसके अंदर फिर पानी डालेंगे और ये कुछ पतली हो जाएगी, फिर काफी सारे बंदे इसे पी लेंगे। हाँ, ले भी जाएंगे, पियेंगे, इधर ही पियेंगे। चलो जी, ये काम हो गया ओके। हाँ, मट्टी भी होगी ओके, और इधर प्याज भी हो गए ओके। अभी तंदूर जल रहा है, बस मैं आऊंगी तो ये लकड़ियां निकालूंगी। हाँ, लकड़ियां आज इसने काफी सारी डाल दी है इसके अंदर, वैसे चिट्टा हो गया है तंदूर। इस साल कोई अजीब किस्म की खांसी लगी है, सुबह सुबह के टाइम कहे आना शुरू हो जाती है, इतनी खांसी लगती है यार, परेशान किया हुआ है खांसी ने। बस ये लकड़ी निकालती हूँ।
हाँ तंदूर तो चिट्टा है माशाल्लाह। चलें इनको निकाल लें, ये सारी लकड़ियाँ इसने निकाल दी हैं। धुआंधार मच गया, बस ये एक लकड़ी खड़ी है, ये भी पूरी नहीं जलेगी। अब इनको बुझाया जा रहा है। खुरी खुरी जी आगे जलेसी के अंदर पानी, और अब्बू जान जा रहे हैं वाक करने के लिए। थोड़ा बहुत वाक करेंगे फिर आ जाएंगे वापस। और प्याज भी तैयार हो चुके हैं, सब्ज़ मिर्चें काटी जा रही हैं, और तंदूर जो है ना बस गर्म है। इसको निकाल दें यार, बस आ रही हूं। हाँ ये लकड़ी नहीं जलने वाली कंप्लीट। बस मैं सामान इकट्ठा कर लूं, बाद में से निकालूंगी। हाँ सही हो गया, सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आटा भी आ चुका है और इसको अभी निकाला नहीं है। बस ये पेड़े बना लूं, बाद में निकाल लूंगी। अगर निकाल लूंगी तो फिर जना इसे खत्म हो जाएगा। चलें आप पेड़े बनाए, रोटी लगाएं, मैं आता हूँ, ठीक है? ओके ओके सही। माशाल्लाह जी रोटियां भी लग गई हैं। ये मेरी सिस्टर की रोटी है, ये हमारी रोटी जी है। हमारी रोटी सारी लग चुकी है, बस एक पेड़ा पड़ा है, वो बाद में लगाएंगे। चले फिर मक्खन लगाएं और नाश्ता करवाएं हमें। बस ये आपकी रोटी है। ओके फाइनली मेरी रोटी पे मक्खन लग चुका है, प्याज भी इसके अंदर जो है ना लगा दिया है। ये देखे क्या ही बात है, लस्सी के साथ सुरखेंगे इंशाल्लाह ताला। जिस मैन भाई ने नाश्ता करना है तो मोस्ट वेलकम, जल्दी से आ जाए, मैं तो नाश्ता करने लगा हूँ। आज दो रोटियां दी है मुझे। चले मैं नाश्ता कर लूँ, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह ताला का, नाश्ता मैंने कर लिया। अब मैं जा रहा हूँ स्कूल। हाँ जी, आज बच्चों को छोड़ने के लिए। आज स्कूल जाना, आपके भाई की क्लास है। नहीं, बच्चों को छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। हबीबुल्ला भी तैयार हो चुका है, सलाम वगैरह बिल्कुल नहीं किया। सही सी अबू, सही सी अल्फाज। जहाँ रहे जा रहे हैं खुश रहे, आमीन से आमीन। सही सी अल्फाजों के साथ बात करते हैं बेटा, ठीक हो गया? मोटरसाइकिल स्टार्ट करें, ये लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन वा इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। आपके भाई की ना शुरू से आदत है, कहीं भी जाता है ना बस ये दुआ जरूर पड़ता है। माशाल्लाह ये आदत जो है ना अच्छी है। चलें जी खैर खरिया से जाएं और खैर खरिया से वापस आएं। आपका भाई चला गया स्कूल बच्चों को छोड़ने के लिए, और मेरा जो है ना थोड़ा बहुत काम पड़ा है, मैं वो करती हूँ। ये बर्तन जो है ना, ये सुबह के नाश्ते वाले बर्तन है ना, ये मट्टी इधर पड़ी है, थोड़े से बर्तन भी पड़े हैं, इसे इकट्ठा करती हूँ, इसकी धुलाई करती हूँ। बस सारा काम जो ना और ख़त्म हो गया है। जो कपड़े अभी आपके भाई ने उतारे हैं, बच्चों ने उतारे हैं, बस वही कपड़े पड़े हैं, उसको जो ना सोचती हूँ अगर टाइम मिलता है तो उसकी धुलाई भी करती हूँ। जब तक आपका भाई वापस आ जाएगा तो मैं काम ख़त्म कर लूँगी। ये देखें ये मेरे बर्तन इधर पड़े। अब जो ना इरादा मेरा चेंज हो गया, बर्तन जो ना बाद में धुलाई करूँगी। जो कपड़े बच्चों ने उतारे हैं ना, पहले ये कपड़े लेती हूँ, इसको जो ना मशीन में डाल देती हूँ, ये धुलाई होते रहेंगे और मैं जो है ना और काम कर लूँगी। बर्तन भी जैसे बर्तन पड़े हैं वो भी धुलाई कर दूँगी। आपके भाई ने कपड़े जो अंदर उतारे थे ना वो अंदर पड़े हैं, और बच्चों के कपड़े इधर हैं, वो अभी चेंज करके गया है। आपके भाई ने इधर कपड़े उतारे थे, ये पड़े हैं आपके भाई के दो सूट, एक अभी उतारा है, एक जो है ना पहले से पड़ा था इधर, और इधर जो है ना हमारी बेटी के कपड़े पड़े हैं। ये सुबह जो है ना सब जैसे जैसे कपड़े उतार के बस रख के जाते हैं, फिर जो है ना मैं इकट्ठा करना शुरू हो जाती हूँ। जब मुझे टाइम होता है तो फिर मैं धुलाई कर देती हूँ, नहीं होता तो फिर मैं नहीं धुलाई करती। ये देखो कपड़े जो है ना मेरे गिर गए, और इधर पड़ा है हमारा सर्फ, सर्फ भी उठाते हैं। ये रहे कपड़े जी। तो मैं आ चुका हूँ बच्चों को छोड़ के स्कूल, और यहाँ पे कपड़े धोए जा रहे हैं,
जी कुछ कपड़े धुलाई हो चुके हैं और कुछ जो है ना मशीन के अंदर धुलाई हो रहे हैं। अच्छा जी, तो इसे मैं तार पे डालती हूँ। आपकी कहाँ तैयारी है? हम जा रहे हैं वरीषा के घर, जो वो मजदूर बच्ची है। अच्छा हाँ, वहाँ कोई काम है? हाँ जी। चले जी, आप वो काम कर ले, मैं ये काम कर लेती हूँ। हाँ, आप वो कपड़े वगैरह धोए, हम होके आते हैं, फिर देखते हैं फिर हमें कहाँ पे जाना है। फिर वो मस्जिद पे भी जाना है, जो शादी फ्रूक सिसर ने जय नमाजें, टोपियाँ और तस्वीरें वगैरह थी, वो भी मस्जिद में हमने अभी रखनी है, तस्वीरें भी देनी है, वो फिर बाद में जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, हाँ उधर का काम खत्म कर लें, बाद में जाना ये काम कर लें। चले सही हो गया, ये खुश हो जाएंगे घंटे? हाँ ये खुश हो जाएंगे। इसे फिर धोबी को देने हैं? क्या नहीं नहीं वो देने हैं धोबी को, क्योंकि काटन के सूट जो है ना वो धोबी को देने पड़ते हैं प्रेस करने के लिए। इस बेचारे को प्रेस करने का तरीका नहीं आता काटन के। काटन वाले तो मुझे तरीका नहीं आता, लेकिन जो और कपड़े पहनते हो वो तो मैं आपको कर देती हूं। हाँ, वो काटन की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, काटन के कपड़े देना मुझे तरीका नहीं आता। चलें ठीक है फिर, मैं चलता हूँ। ओके हो गया जी, ठीक हो गया। चलें जी हम चलते हैं अल्लाह खैर। फिर वापस आके फिर मस्जिद पे जाएंगे वो जय नमाज रखने के लिए। शुक्र है कि मेरे कपड़े धुलाई हो चुके हैं। ये देखें, ये चारों तरफ जो है ना ये कपड़े ही कपड़े हैं, और हवा जो है ना चली हुई है और कपड़े मेरे नीचे गिर रहे हैं। बस इसको जो है ना ऐसे डाल देती हूँ, जब ये खुश्क होगी ना इसकी जो मट्टी है ना वो गिर जाएगी, अगर इसकी फिर धुलाई करूँगी ये फिर गिर जाएगी। और बाइक जो है ना इधर खड़ी थी, बाइक पे भी मैंने कपड़ा डाल दिया, वैसे ये बेचारी सारा दिन जो है ना धूप पे खड़ी रहेगी, इससे जो है ना चलाने वाला कोई नहीं है, शाम को जो है इसे कोई चलाएगा, तो इसके ऊपर मैंने कपड़े डाल दिए हैं ये देखें। और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ, और मैं जो है ना कहीं पर जा रही हूँ। कहाँ पर जा रही हूँ आप सब बहनों को बताती हूँ, मैं जा रही हूँ नंडा बाज़ार पर। हबीबुल्ला का जो है ना शूज़ नहीं था, सैंडल जो स्कूल जाते हैं ना बच्चे पहन कर जाते हैं, वैसे जो है ना वो शूज़ नहीं था। आज वो तीसरा दिन है बेचारा सजा में जो है ना ठहरता है, उसे जो है ना सर सजा देते हैं। आज मैंने सोचा इधर हमारे यहाँ जो है ना लड्डा बाज़ार लगता है, वहाँ जा कर जो है ना बेचारे के लिए शूज़ ले आऊँ सैंडल। तो आप सब बहन भैया से गुजारिश है हमारे साथ रहना, और मैं कोशिश करूँगी कि वहाँ की जो है ना वीडियो भी आप सब बहन भैया से शेयर करूँगी। वहाँ से जो ना कुछ मैं बहनें होती हैं, कुछ जो है ना कहती हैं कि वीडियो ना बनाए, मैं कोशिश करूँगी वहाँ की वीडियो बनाने की। और भाभी और सासू माँ साहब जो ना वो मेरे आगे जा चुकी हैं, मैं अभी तक इधर खड़ी हूँ, तो चलती हूँ मैं भी, नहीं तो अगर मैं नहीं गई तो वो फिर चले जाएंगे, मैं अकेली रह जाऊँगी। अभी भी हम रास्ते में हैं, हम पैदल जा रहे हैं। वैसे इधर जो है ना अगर हम शॉर्ट कट रास्ता लें तो हम जो है ना जल्दी पहुँच जाते हैं, और वैसे वर्जिश भी हो जाती है और जल्दी भी पहुंच जाते हैं। तो सब जो है ना ऐसे ही पैदल जाते हैं। आपका भाई को जो है ना कुछ काम था, वो चला गया अपने काम के लिए, तो मैंने सोचा मैं अपना थोड़ा सा काम कर लूँ। सब जा रहे थे, आपके भाई से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि चले जाने अपने, चले मैंने कहा ठीक है मैं फिर जल्दी वापस आऊँगी और काम भी करना है। बस थोड़ी सी देर है हम पहुँचने वाले हैं। ये देखें अभी जो है ना ये गंदम की सारी चारों तरफ जो है ना कटाई भी हो चुकी है, और ये थोड़ा बहुत जो ना ये भूसा पड़ा है यहाँ पे जो ना वो जो गंदम कटाई की थी ना शायद इधर ही थ्रेशर लगाई है, तो अब जो ना ये ख़त्म हो गई है गंदम, बस कुछ ही इलाकों में थोड़ी बहुत पड़ी है, नहीं तो सारी ख़त्म हो चुकी है। बस हम जो ना थोड़ी देर बाद पहुँच ही जाएंगे। पहले हम पहुँच चुके हैं, ये देखे ये हमारा लंडा बाज़ार, बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत ये जो नज़र आ रहे हैं ना ये गर्म कम्बल है माशाल्लाह। ये उस तरफ जो कपड़े खड़े हैं ना वो मर्दों के हैं, और इस साइड पे जो खड़े हैं ये औरतों के कपड़े हैं। देखते हैं वो भाभी जो है ना सूट लेना है, भाभी ने वो देख रही है। इधर हमने जो है ना देख लिया सारे कपड़े, कोई कपड़े जो है ना हमें पसंद नहीं है। मेरी भाभी को, मेरी भाभी ने जो है ना सूट लेना था, तो वही बेचारी देख रही है। वो ना पहले ले गई थी इधर से सूट, तो फिर वो सूट जो है ना फटा हुआ था, जब वापस घर गई तो उसने देखा सूट फटा हुआ था, तो फिर वो बेचारी ले आई इधर, तो वो चेंज नहीं कर देते, कहते हैं कि हमने जो है ना चेंज नहीं करना, अगर आप इधर देख लेती जो चीज़ यहाँ से ले जाती है फिर जो है ना हम वापस नहीं करते।
चलें देखते हैं अल्लाह खैर करे वापस करते हैं कि नहीं। मैं जाती हूँ इधर शूज जो है ना पता नहीं आया है कि नहीं, देखते हैं शूज वाला। अब हम जा रहे हैं घर, जो चीज मैंने लेनी थी वो मुझे नहीं मिली, अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। अब हम घर पहुंच चुके हैं, वैसे तो मैंने कुछ भी नहीं लिया। शाम को जो ना हबीबुल्ला आएगा बेचारा, वो जो है ना रोएगा और कहेगा कि मेरा शूज मेरी सैंडल। आपका भाई भी मुझे नज़र आ रहा है, वो भी आ रहा है, तो चलते हैं घर जाके जनाब सब बहनों से बात होगी। आपका भाई भी वापस आ चुका है, मुझे लगता है जो काम इसने करना था वो काम जो है ना आपके भाई ने कर लिया है। जो कपड़े मैंने धुलाई किए थे ना वो खुश्क हो चुके हैं, अब इसे जो ना मैं उतारती हूँ अंदर रखती हूँ। कुछ कपड़े जो ना गीले हैं, कुछ कपड़े हमारे खुश्क हो चुके हैं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं आपका काम हो गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम गए थे वो वरीशा के घर और उनके घर का विजिट किया, उनका सिस्टम देखा, फिर हम वापस लौट आए। चलें जी, वीडियो जो ना हमारी हो गया मुकम्मल, आपको पता है बना भी ली? हाँ, मैंने वीडियो जो ना मुकम्मल बना ली है। और इधर जो ना तैयब खान आया, ये क्या इसमें डाला हुआ है? इसमें जो ना वो जो कैल्सी वाले पत्ते होते हैं ना, फ्रिज रख दे। ओए मर्शद के थी माँ, फ्रिज रखदा मेरा छोना भतीजा। मीठी मीठी मामू, ये ऐसे खा रहा था, मैंने कहा मामू इसको पानी में डाल के पीते हैं। बस वही उस... फिर कहते अच्छा मैं बोतल ले आऊं, भाग के गया बोतल उठा आया फिर... बोतल फिर मैंने धो के पानी अंदर डाल के फिर कैल्सी का पत्ता जो है ना मैंने अंदर डाल दिया। मैंने कहा इस तरह पिया करे। सही है, वो कुछ पिया है, आधा पी लिया, आधा उसने बचाया हुआ, मैं फ्रिज के अंदर रखता हूँ ठंडा हो जाएगा। हाँ, फिर पीऊंगा। माशाल्लाह ये अच्छा बच्चा है, सयाना बच्चा है। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। चले, हमें रखना है दो में याद। चले जी, अल्लाह खैर करे, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का, अपने आसपास रिश्तेदारों का, प्यारों का, सबका ख्याल रखना है। हाँ, और हमें रखना है दो में याद। ठीक है, हाँ जी, फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज, बाय।